टीवी लगाओ, देखते हैं यार कुछ। क्या लगे बताओ, क्या देखोगे? न्यूज़ लगाते हैं, न्यूज़ देखते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मसला फिर से लौट आया है। Right, the breaking news is about the JNU sedition case. Well, that case has now been adjourned to the 19th of January. We believe that the judge is on leave. And we'll go straight across now to Anisha. आज दिल्ली पुलिस ने 2016 में दिल्ली के JNU में लगे देश विरोधी नारों के मामले में चार्जशीट दायर की है। अच्छा हुआ साले देश-द्रोही गए 10 साल के लिए कम से कम अंदर। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। क्या? अरे यार पढ़े लिखे हो यार, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, नहीं खराब हो जाएगा फिर। मतलब ये है कि 2019 का आने वाला है चुनाव, ठीक है, और जो कन्हैया कुमार हैं वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। एक मिनट, ये बताओ कन्हैया के चुनाव लड़ने से इस केस का क्या संबंध है? अरे भाई संबंध है तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनो, कन्हैया जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है ना, वो गठबंधन में है, महागठबंधन। सुने हो नहीं सुने हो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे यार पहले सुन तो लो यार, बीच में बोल गए फालतू में। ओके ठीक है, बोलिए। अच्छा ये बताओ, कन्हैया तुम्हारी नज़र में क्या है? देशद्रोही। और कन्हैया की पार्टी? सिंपल है यार, देशद्रोहियों की पार्टी। तुम्हारे हिसाब से वही देशद्रोही पार्टी उस गठबंधन में है, तो गठबंधन क्या हुआ? अरे यार कितनी बार बोलाओगे देशद्रोही। अब ये तुम मुझे बताओ, क्या तुम देशद्रोही पार्टी को वोट देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट कभी भी नहीं भाई। तो बस यही चाह रहा है हमारा इस समय का सत्ताधारी दल। अब समझ में आया नहीं समझ में आया? वो कन्हैया के माध्यम से वो सारे विपक्ष यानी कि सारे गठबंधन को इस बार वो टारगेट कर रहे हैं अपने इस चुनाव के माध्यम से। और एक मिनट, रही इन लोगों की देशद्रोही होने के बाद ना, तो ये बताओ कौन सी अदालत ने इन्हें देशद्रोही बताया है अभी तक? सुप्रीम कोर्ट? नहीं। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोई कोर्ट किसी ने बताया कि वो देशद्रोही हैं? नहीं भाई, लेकिन मीडिया तो मान चुका है ना उन्हें देशद्रोही।